प्यारे बच्चों, आज हम लोग ट्राई हेलोएल्केन, टेट्रा हेलोएल्केन, पर हेलोएल्केन और हेलोएल्कीन, हेलोअल्काइन तथा कुछ मिसलेनियस कंपाउंड का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग एल्काइल हैलाइड, इसके टाइप्स, डाई हेलोएल्केन, इसके टाइप्स और इनके नामकरण का अध्ययन किए थे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करें ट्राई हेलोएल्केन का नामकरण। ध्यान दीजिएगा, ट्राई हेलोएल्केन नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें तीन हेलोजन एटम होंगे, टाइटेंस 3x एटम। तीनों हेलोजन एटम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। और हेलोजन एटम के बारे में आपको जानकारी है कि ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 के तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है? तो आइए हम लोग यहां देखें इसका आयु पैक नेम कैसे दिया जाता है। इसके आयु पैक नेम कैसे लिखते हैं? इसका आयु पैक नेम ट्राई हेलो एल्केन ही होगा, लेकिन तीनों हेलोजन एटम सेम हो तो, और तीनों हेलोजन एटम भिन्न भिन्न हो तो एक्स हेलो, वाई हेलो, जेड हेलो एल्केन लिख देंगे। तो यौगिक में देखते हैं कि इसका नाम हम लोग कैसे दे रहे हैं। कॉमन नेम लिखने की कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ओनली फॉर फर्स्ट मेंबर। प्रथम सदस्यों का कॉमन नेम लिखा जा सकता है हैलो फॉर्म। क्या होगा? हैलो फॉर्म, याद रखिएगा। हैलो के जगह पर क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि एक कार्बन एटम होना चाहिए, उसी का ही नाम हैलो फॉर्म होगा। कार्बन की संख्या एक से अधिक होगा तो उसका कॉमन नेम हम नहीं लिख सकते हैं, या उसका कुछ स्पेशल नेम हो सकता है। हम CH3 इसको ओपन करके लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका आयु पैक नियम पूछे तो कार्बन की संख्या एक है और एक ही पोजीशन पर तीन क्लोरीन है, तो इसके पोजीशन को लिखने की जरूरत नहीं है। इसका नाम होगा टराई क्लोरो मीथेन, टराई क्लोरो मीथेन। और पूरे दुनिया में इसी को क्लोरो फॉर्म के नाम से जानते हैं। क्लोरो फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है। इसका प्रयोग आजकल फेरॉन, CFC जो इसको हम लोग कहते हैं, इसके निर्माण में किया जाता है। इसका प्रयोग विलायक के रूप में भी किया जाता है और मेडिकल सर्जरी में इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में बेहोश करने के लिए भी किया जाता था, परंतु इसके बुरे प्रभाव के कारण इसका प्रयोग बंद है। इसके स्थान पर डाईइथाइल ईथर, हैलोथेन आदि केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। क्यों इसका प्रयोग आज मेडिकल सर्जरी में बंद है? इससे संबंधित प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी कई बार पूछे गए हैं कि क्लोरोफॉर्म को कैसे स्टोर किया जाता है, इसका बुरा प्रभाव क्या है। तो इसका डिस्कस हम अभी कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि मैं इसके जगह पर CHI3 में कर दूं, इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं CHII, इसका नाम हो जाएगा टराई आयोडो मीथेन, ट्राई आयोडो मीथेन, और इसी को कहेंगे आयोडो फॉर्म, आयोडो फॉर्म, आयोडो फॉर्म। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका भी प्रयोग हम लोग एंटीसेप्टिक्स के रूप में करते हैं। जो ही ये आयोडो फॉर्म स्किन के कंटेक्ट में आता है, मुक्त आयोडीन देता है, जिसके कारण इसमें एंटीसेप्टिक्स प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि आयोडो फॉर्म का प्रयोग एंटीसेप्टिक्स के रूप में किया जाता है, क्यों? तो आपका जवाब होगा कि आयोडोफॉर्म जो भी स्किन के कांटेक्ट में आता है, मुक्त आयोडीन देता है, जिसके कारण इसमें एंटीसेप्टिक्स प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इसको नोट में लिखवा देते हैं, परंतु इसमें बेहतर स्मेल नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग आज कल बहुत कम हो रहा है। इसके जगह पर टिंचर आयोडीन, इसके जगह पर बेटाडीन आदि महत्वपूर्ण एंटीसेप्टिक्स का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो पहले इसे नोट कर लें। ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे पूछे कि CHF3 इसका आप नाम बताइए, तो इसका नाम होगा टराई
फ्लोरो ट्राइफ्लोरोमीथेन, कार्बन की संख्या एक है, इसका कॉमन नेम भी संभव है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, फ्लोरोफॉर्म, एफ एल यू ओ आर ओ फ्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म। इसी प्रकार कोई आपसे पूछ दे, ध्यान दीजिएगा, सी एच बी आर थ्री इसका नाम बताओ, तो दीजिएगा ट्राई ब्रोमो मीथेन, ट्राई ब्रोमो मीथेन, ट्राई ब्रोमो मीथेन, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। लेकिन जो भी कार्बन एटम की संख्या एक से अधिक होता है उसका नाम हम हैलोफॉर्म नहीं दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां मैं ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं कहूं कि सी एच थ्री, मैं कह दू सी सी एल, मैं कह दू सी एल, मैं कह दू बी आर, ये भी एक प्रकार का ट्राई हैलो एल्केन है, क्योंकि हैलोजन एटम तीन दिखाई दे रहे हैं। कार्बन की नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री, यहां लिखेंगे वन ब्रोमो, वन ब्रोमो टू कामा टू डाइक्लोरो, डाइक्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन इसका नाम हो सकता है। कोई पूछे किस ट्राई हैलो एल्केन का आप नाम दो, यहां ब्रोमो देते हैं, यहां क्लोरो देते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा यहां आयोडो देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि नंबरिंग किधर से करें, वन टू थ्री फोर फाइव, यहां देख रहे हैं कि लोकेंट हमारा आ रहा है LOCNT लोकेंट, एक ब्रोमो दो पर, क्लोरो तीन पर और आयोडो चार पे, एक नंबरिंग मैं कर रहा हूं वन टू थ्री फोर फाइव, यहां देख रहे हैं इसका भी लोकेंट दो पे तीन पे चार पे। यदि ग्रुप की पोजीशन सेम हो तो अल्फाबेटिकल सुपीरियर ग्रुप को लो नंबर मिलना चाहिए, तो ब्रोमो को लो नंबर मिलना चाहिए, लाल वाला नंबरिंग सही है, काला वाला नंबरिंग गलत है, तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं, टू पे ब्रोमो है तो टू ब्रोमो, टू ब्रोमो, थ्री क्लोरो, थ्री क्लोरो, फोर आयोडो, फोर आयोडो, पांच कार्बन है तो पेंटेन, पेंटेन हो सकता है, इसे नोट करें। तीन महत्वपूर्ण नोट्स, आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म से याद रखिएगा, जो बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आयोडोफॉर्म यह पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है, स्किन या घाव के संपर्क में आता है तो आयोडीन मुक्त करता है, जिसके कारण इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक्स के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा कि आयोडोफॉर्म स्वतः आयोडीन मुक्त नहीं करता, जब यह घाव और चमड़े के संपर्क में आता है तभी आयोडीन मुक्त करता है। इसमें फाउल स्मेल पाया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग आजकल एंटीसेप्टिक्स के रूप में बहुत कम हो रहा है, इसके जगह पर डिटॉल, सेरलॉन, बेटाडीन आदि का प्रयोग एंटीसेप्टिक्स के रूप में धड़ल्ले से हो रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण नोट क्लोरोफॉर्म से संबंधित है कि हमेशा क्लोरोफॉर्म को गहरे भूरे रंग के बोतल में पूर्ण रूप से भर करके स्टोर किया जाता है, क्यों, इसके पीछे क्या कारण है कि बोतल गहरे भूरे रंग का होना चाहिए और बोतल पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। आपको पता है कि यदि बोतल खाली होगा तो खाली स्थान में एयर हवा भरा रहता है और हवा में मुख्य रूप से ऑक्सीजन पाए जाते हैं, और यदि गहरे भूरे रंग का बोतल नहीं होगा तो प्रकाश इसमें आसानी से प्रवेश कर जाएगा। क्लियर है बात, तब ध्यान दीजिए, क्लोरोफॉर्म को हमेशा गहरा भूरा बोतल में पूर्ण रूप से भर करके स्टोर किया जाता है ताकि यह प्रकाश के उपस्थिति में एयर हवा या ऑक्सीजन से संजोग कर विषैला पदार्थ फॉस्जीन का निर्माण न करे। यदि गहरा भूरा बोतल नहीं रहेगा और पूर्ण रूप से क्लोरोफॉर्म उसमें नहीं भरा रहेगा तो वह तुरंत प्रकाश के उपस्थिति में ऑक्सीजन से संयोग करके विषैला पदार्थ फॉस्जीन का निर्माण कर लेगा, जो बहुत ही खतरनाक गैस है। ध्यान दीजिएगा यहां रिएक्शन कैसे होता है, यही क्लोरोफॉर्म है और हवा से रिएक्शन करता है लाइट की उपस्थिति में। यदि गहरा भूरा बोतल नहीं है तो लाइट प्रवेश कर जाएगा, HCl बाहर निकल गया और बैलेंस करने के लिए 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई करते, एक ऑक्सीजन यहां जुड़ गया। ध्यान दीजिएगा Cl, C डबल बॉन्ड O, Cl, आप इसी को ऐसे लिख सकते हो CoCl2, इसी को कहते हैं फॉस्जीन, फॉस्जीन,
इसी को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही विषैला गैस होता है, बहुत विषैला गैस होता है। तो मेडिकल सर्जरी में भी इसका प्रयोग बेहोश करने के लिए पहले किया जाता था। डॉक्टरों को पता नहीं था कि हमारे पेशेंट कैसे मर जा रहे हैं, तो इसके पीछे यही कारण था कि जब ही क्लोरोफॉर्म से पेशेंट को बेहोश किया जाता था, प्रकाश के उपस्थिति में तुरंत हवा से संयोग करके फॉस्जिन का निर्माण हो जाता था और जिसके कारण पेशेंट मर जाते थे। इसलिए आजकल क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के तौर पे बंद है, इसके यही बुरे प्रभाव के कारण, अर्थात फॉस्जिन के निर्माण करने के कारण। तीसरा महत्वपूर्ण नोट्स है जिसको मैं बता रहा हूं, इसे नोट कर लें। इस नोट्स को याद रखिएगा कि क्लोरोफॉर्म को स्टोर करते समय थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल 0.6 से 1% डाल दिया जाता है, ताकि यदि फॉस्जिन का निर्माण हो जाए, यदि क्लोरोफॉर्म को रखते समय बोतल में फॉस्जिन बन जाए, निर्माण हो जाए, तो इथाइल अल्कोहल इससे प्रतिक्रिया करके अविषैला पदार्थ डाई इथाइल कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो कोई पूछ दे कि क्यों हम लोग क्लोरोफॉर्म को स्टोर करते समय थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल डालते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि यदि क्लोरोफॉर्म को रखते समय ही प्रकाश और हवा से यह अभिक्रिया करके विषैला पदार्थ फॉस्जिन का निर्माण कर ले, तो उस विषैले पदार्थ फॉस्जिन से तुरंत इथाइल अल्कोहल रिजेक्शन करके डाई इथाइल कार्बोनेट नामक अविषैला पदार्थ का निर्माण कर लेता है। इसको हम लोग रिजेक्शन के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहां देखिएगा, फॉस्जिन का सूत्र होता है ClC(OCl), इसी को फॉस्जिन कहते हैं, फॉस्जिन। और इथाइल अल्कोहल का सूत्र सबको पता है, C2H5OH, C2H5OH को ग्रेन अल्कोहल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मैट्रिक में सुने होंगे इथाइल अल्कोहल, कितना ऐड करते हैं बेटा, 0.6 से लेके 1% हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं प्रिकॉशन के दृष्टिकोण से। यहां ध्यान दीजिएगा, हम 2 मोल अल्कोहल ले रहे हैं, 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दो, तो 2HCl बाहर निकल गया। अब बच क्या गया, यहां ध्यान दो, C2H5 का होल 2, और यहां देखो CO और 2O, CO3 बच गया, CO3। ठीक है, इसी का नाम होगा डाई इथाइल कार्बोनेट, डाई इथाइल कार्बोनेट, जो अविषैला होता है, अविषैला। तो इसे नोट कर लें, इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं हम दे रहे हैं आपको। इस प्रश्न को आप घर लिख लीजिएगा कि क्लोरोफॉर्म को गहरा भूरा बोतल में पूर्ण रूप से भर करके स्टोर किया जाता है क्यों, या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, 2 मार्क्स का। क्लोरोफॉर्म को स्टोर करते समय थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल ऐड किया जाता है क्यों, पुनः हम आपको बता चुके हैं। कंप्लीट द रिजेक्शन, या कई बार मेडिकल के एग्जाम में पूछे गए कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिजेक्शन करता है लाइट के उपस्थिति में, तो क्या बनता है, अभी पढ़ा है जस्ट, फॉस्जिन का निर्माण होगा, और फॉस्जिन इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है, तो इसे बना के अभ्यास करेंगे। अब हम लोग टेट्राहैलोएल्केन का नामकरण देखेंगे, नेमिंग ऑफ टेट्रा हैलो एल्केन। कंटेंस 4X एटम, इसमें 4 हैलोजन एटम होंगे, समान भी हो सकते हैं असमान भी हो सकते हैं। इसका आयु पैक नेम भी टेट्रा हैलो एल्केन ही होगा। हैलोजन एटम की पोजीशन को लिख देंगे, भिन्न भिन्न हैलोजन एटम हो तो उन्हें भी उनके पोजीशन के साथ हम लोग लिख देंगे। और इसका कॉमन नेम कैसे देते हैं, ध्यान दीजिए, ओनली फॉर
फर्स्ट मेंबर, केवल प्रथम सदस्यों के लिए ही हम टेक्निक बता रहे हैं आपको, कार्बन टेटरा हैलाइड, हैलाइड के जगह पर क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं कहूं कि CCl4 या Cl, 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 इसका आयु पैक नेम क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या एक दिखाई दे रहा है तो एक पोजीशन को लिखने की जरूरत नहीं कि एक कामा एक कामा एक कामा एक टेटरा क्लोरोमिथेन है, आप डायरेक्ट लिखेगा इसे टेटरा क्लोरो मीथेन। टेटरा क्लोरो मीथेन बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसी का कॉमन नेम अब होगा कार्बन, कार्बन है तो लिख देंगे कार्बन, टेटरा है तो लिख देंगे टेटरा, और हाइलाइट के जगह पर क्लोराइड है तो लिख देंगे कार्बन टेटरा क्लोराइड, कार्बन टेटरा क्लोराइड। याद रखिएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका भी प्रयोग हम लोग सॉल्वेंट के रूप में करते हैं और यह ओजोन क्षय के लिए भी उत्तरदायी कारक है। नोट में एक बात याद रखिएगा, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, याद करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, अज्वलनशील, अज्वलनशील होने के कारण, होने के कारण इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में, अग्नि शामक मतलब आग बुझाने वाला, अग्निशामक के रूप में पायरीन के नाम से, किसके नाम से, पायरीन, पी वाई आर यानी पायरीन के, पायरीन के नाम से प्रयोग, पायरीन के नाम से व्यवहार किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। तो इसको पायरीन के नाम से भी जानते हैं, कब, जब ये अग्निशामक के रूप में प्रयोग होता है तब। इसे नोट करें, कोई आपसे पूछ दे कि इसका नाम बताइए, सी बी आर फोर, आयु पैक नेम हो जाएगा टेट्रा ब्रोमो मीथेन, टेट्रा ब्रोमो मीथेन, इसका कॉमन नेम लिख सकते हो कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड। कोई आपसे पूछ दे सी एफ फोर, इसका नाम बताओ, आप लिख सकते हो टेट्रा फ्लोरो मीथेन, और इसका कॉमन नेम लिख सकते हो कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, आप इसे कंप्लीट कीजिएगा। कोई पूछे सी आई फोर, इसका नाम लिखिए, तो हो जाएगा टेट्रा आयोडो मीथेन, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा कार्बन टेट्रा, क्या होगा, कार्बन लिख देते हैं, कार्बन टेट्रा आयोडाइड, कार्बन टेट्रा आयोडाइड, इसका नाम आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं बताने जा रहा हूं, इसका कॉमन नेम देता है एग्जाम में और कहता है संरचना बनाओ, इसका आयु पैक नेम लिख सकते हो वन टू, वन कामा टू कामा टू, टेटरा क्लोरो इथेन, टेटरा क्लोरो इथेन। पूरे दुनिया में याद रखिएगा इसी को वेस्ट्रॉन कहते हैं, वेस्ट्रॉन कहते हैं, इसका प्रयोग सॉल्वेंट के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में हम लोग करते हैं, वार्निश पेंट रबड़ आदि को घुलाने के लिए। इसे नोट करें, कोई पूछे कि इस टेट्राहैलोएल्केन का आयु पैक नेम बताइए, आप आसानी से लिख सकते हैं, नंबरिंग यहीं से करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यह ब्रोमो है, यह आयोडो है, यह फ्लोरो है, यह क्लोरो है, इन्हें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, पहले लिखेंगे टू ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो लिखेंगे फाइव क्लोरो, उसके बाद फ्लोरो लिखेंगे थ्री फ्लोरो, उसके बाद आयोडो लिखेंगे चार आयोडो,
और कार्बन की संख्या 7 है तो है 10 होगा। आप बात समझ गए होंगे, ये भी एक प्रकार का टेट्राहाइल एल्केन है। एक नाम मैं आपको दे रहा हूं, आप इसका आयु पैक नेम लिखिएगा। राइट डाउन प्लीज। अब हम लोग पर हैलो हाइड्रो कार्बन का अध्ययन करेंगे। यहां देखिए, पर का मतलब समझना है फुल्ली, फुल्ली का मतलब होता है पूर्ण रूप से। हैलो का मतलब समझना हैलोजिनेटेड का मतलब होता है हैलोजन युक्त, और हाइड्रोकार्बन का मतलब आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन, अर्थात पूर्ण रूप से हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन को पर हैलो हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अर्थात किसी हाइड्रोकार्बन से सारे हाइड्रोजन को किसी एक हैलोजन एटम के द्वारा जब विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे पर हैलो हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो इसको डिफाइन आप कर सकते हो पूर्ण रूप से हैलोजन युक्त हाइड्रो कार्बन को पर हैलो हाइड्रोकार्बन कार्बन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यह बेंजीन है, एक हाइड्रोकार्बन है, ध्यान दीजिएगा, यह हाइड्रोजन यहां छुपा है, C6H6 इसी को कहते हैं बेटा, C6H6 यह बेंजीन है। इसके सारे हाइड्रोजन एटम को यदि हम रिप्लेस कर दें 6-फ्लोरीन एटम के द्वारा तो प्राप्त होगा एक पर हैलो हाइड्रोकार्बन। तो कोई पूछे कि यह कैसा यौगिक हुआ, तो इसके सारे हाइड्रोजन एटम हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस हो गया, तो कहेंगे कि यह एक पर हैलो हाइड्रोकार्बन हुआ। तो पर हैलो हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे दिया जाता है आपको बता रहे हैं, इसे नोट कर लें। इसका आयु पैक ने ध्यान दीजिएगा कैसे देते हैं, पर हैलो एल्केन, एल्केन के जगह पर उस हाइड्रोकार्बन का नाम लिख देंगे। यदि बेंजीन हो तो बेंजीन, पेंटेन हो तो पेंटेन, हेक्सेन हो तो हेक्सेन लिख देंगे, या इसी को कहेंगे पॉली हैलो एल्केन, पॉली हैलो एल्केन, पॉली हैलो एल्केन कहेंगे। याद रखिएगा यह नाम मोस्ट करेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह दूं, या एनसीईआरटी की भी क्वेश्चन है, इसका आयु पैक नेम बताएं, या इसी को हम लिख सकते हैं C6H6। तो पहले जोड़ देंगे पर, इसमें जोड़ देंगे पर फ्लोरो बेंजीन, पर फ्लोरो बेंजीन नाम हो सकता है, पर जोड़ देना है, हाइलो के जगह पर फ्लोरो जोड़ दिए, और हाइड्रोकार्बन का नाम था बेंजीन तो यहां मैंने बेंजीन लिख दिया। इसी का नाम आप ऐसे भी दे सकते हो, पॉली के जगह पर फ्लोरीन की संख्या 6 है तो पॉली के जगह पर लगा देंगे हेक्सा FLUO हेक्सा फ्लोरो बेंजीन। बात समझ गए हुए, इसी आधार पर एक यौगिक दे रहे हैं, आपको इसका नाम लिख के दिखाना है, CL 6 एटम को मैंने यहां जोड़ दिया है, इसका नाम हो जाएगा पर क्लोरो बेंजीन या हेक्सा क्लोरो बेंजीन। तो इसे नोट कर लें, एक और यौगिक बता रहे हैं।
आपसे कोई पूछे कि इसका नाम बताइए, एक दो तीन, कार्बन तीन है, तीन कार्बन वाले एल्केन से ही इस यौगिक का निर्माण हुआ है, तो इसमें वर्ड जोड़ देंगे पर, क्लोरीन है तो पर क्लोरो प्रोपेन, पर क्लोरो प्रोपेन। स्पष्ट हो रहा है कि प्रोपेन का ही फुल्ली हैलोजिनेटेड यौगिक है यह। आप इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो, हैलोजन एटम की संख्या 3, 2, 5, 3, 8 है, तो ऑक्टा ऑक्टा क्लोरो प्रोपेन लिख सकते हो, लेकिन ऊपर वाला नाम सबसे सही है। तो आप पर हैलो हाइड्रोकार्बन समझ गए होंगे, इसे नोट कर लें।